चैप्टर 6 मेथड्स ऑफ पर्सुएजन, अनुनय के तरीके, बल का उपयोग करना। जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति पीड़ित को कुछ विशिष्ट प्रकार के तरीके से सोचने के लिए सफलतापूर्वक मनाने के लिए कुछ हद तक बल का उपयोग करने का निर्णय ले सकता है। हालांकि यह उस विशेष क्षण की स्थिति पर निर्भर है। हालांकि इसे ऐसे मामलों में लागू किया जाता है जहां जोड़ तोड़ करने वाले और पीड़ित दोनों के विचार मेल नहीं खाते हैं। जिस प्रकार की बातचीत वे कर रहे हैं वह फलदायी नहीं लगती है, या जहां विषय मेल नहीं खाता है, बातचीत ने जो मोड़ तोड़ लिया है उसके चिढ़ना या निराश होना अधिकांश लोगों द्वारा इसे डराने की रणनीति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ित को होने वाली घटनाओं के बारे में तार्किक तरीके से सोचने के लिए न्यूनतम समय देता है, जबकि पीड़ित सामान्य मानसिक स्थिति में होता है। एक जोड़ तोड़कर्ता आमतौर पर उस विशेष उदाहरण पर अनुनय की एक विधि के रूप में बल का उपयोग करने के लिए इच्छुक होता है, जब वे अनुनय की अपनी यात्रा में एक दीवार से टकरा सकते हैं। वे ऐसा तब भी कर सकते हैं जब जोड़ तोड़ करने वाले को ऐसा महसूस हो कि वह पीड़ित पर अपनी पकड़ का नियंत्रण खो रहा है, या जब पीड़ित उन्हें जोड़ तोड़ करने वाले के खंडन के ठोस सबूत पैदा करे। प्रमुख प्रश्न पूछना एक अन्य तरीका, जिसे एक डार्क मैनिपुलेटर कुशलता पूर्वक उपयोग करता है, वह है प्रमुख प्रश्न पूछना। इसे आसानी से सबसे मजबूत मौखिक तकनीकों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि वे पीड़ितों से प्रतिक्रियाओं का एक विशिष्ट सेट प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए, एक अंधकारपूर्ण प्रेरक अपने लक्ष्य से पूछ सकता है, आपको क्या लगता है कि ये लोग कितने बुरे हैं? इस मुद्दे का मतलब पहले से ही यह है कि समस्याग्रस्त व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ हद तक बुरे हैं। डार्क कन्विंस इन प्रमुख प्रश्नों को इतनी कुशलता से पूछते हैं कि उन्हें तुरंत लगता है कि पीड़ित को जहाज छोड़ने के लिए उकसाया गया है, और केवल प्रश्न पंक्ति में वापस आ जाते हैं जहां पीड़ित आराम की स्थिति में दिखाई देता है। डार्क मैनिपुलेटर डार्क पर्सुएजन या अनुनय को छुपाने के लिए अपने वास्तविक इरादों का भी उपयोग करते हैं। आसानी से डार्क अनुनय के संपर्क में आने के लिए अंधेरे में हेरफेर करने वाला शुरू से ही अपने असली इरादों को छुपाता है, अन्यथा वह असफल हो जाएंगे। कुशल प्रेरक व्यक्तिगत पीड़ित और परिस्थिति के आधार पर कई तरीकों से अपने वास्तविक इरादों को छिपा सकते हैं। एक आवश्यकता पैदा करें, यह उन तकनीकों में से एक है जो अक्सर जोड़ तोड़ करने वाले द्वारा इस्तेमाल की जाती है, ताकि पीड़ित को अपने सोचने के तरीके को बदलने में सक्षम बनाया जा सके। यह एक आवश्यकता पैदा करता है, या यूं कहें कि उस आवश्यकता की ओर आकर्षक करता है जो पीड़ित के भीतर पहले से ही मौजूद है। यदि इसे कुशल तरीके से क्रियावंत किया जाए तो कुछ ही समय में पीड़ित को प्रेरक की हथेली से खाना मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि जोड़ तोड़ करने वाले को अपने शिकार की मूलभूत जरूरतों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, आत्मबोध की आवश्यकता। यह तकनीक ज्यादातर मामलों में काम करेगी और जोड़ तोड़ करने वालों के लिए अच्छी होगी, क्योंकि पीड़ित को इन चीजों की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, भोजन आमतौर पर एक ऐसी चीज है
जिसकी हम मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यकता है, पर लंबे समय तक इसकी कमी एक बड़ी समस्या का कारण बनेगी। यदि एजेंट विषय को यह विश्वास दिला सकता है कि उनका स्टोर सबसे अच्छा है, या यदि वो अपने मान्यताओं को बदलकर अधिक भोजन या आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, तो सफलता की अधिक संभावना है। उदाहरण और शब्दों का उपयोग, शब्दों का चयन जो व्यक्ति उपयोग के लिए चुनता है, वह अनुनय का उपयोग की सफलता में एक लंबा रास्ता तय करता है। किसी एक चीज के बारे में बात करते समय आप वाक्यों को कई तरीकों से बना सकते हैं। अनुनय का उपयोग करने का प्रयास करते समय सही शब्दों को सही तरीके से कहने का ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मास मीडिया और विज्ञापन द्वारा उपयोग की जाने वाली तरकीबें मीडिया जनता को समझाने के लिए दो मुख्य तरीकों का उपयोग करता है। पहला छवियों का उपयोग और दूसरा ध्वनियों का उपयोग। छवियों के उपयोग से मीडिया अनुनय हमारी आहें और मस्तिष्क के दृश्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो बहुत शक्तिशाली है। बस एक मिनट के लिए इसके बारे में सोचो, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचा है बिना यह सोचे कि वह कैसा दिखता है? यही कारण है कि मीडिया द्वारा कल्पना और दृश्य हेरफेर का एक पसंदीदा तरीका बन गया है। कंपनियां अक्सर विज्ञापन में अपने उत्पाद या व्यक्तियों का विभेजित सेकंड छवियां शामिल करती है, जो अंकित मूल्य से काफी निर्दोष लगती है। यह आमतौर पर अचेतन अनुनय का एक रूप है। यह विभाजित सेकंड छवियां, जिन्हें आमतौर पर अधिकार भाग के लिए मान लिया जाता है, आमतौर पर पीड़ित पर किसी ना किसी तरह का नियंत्रण ले लेती है, जो उन्हें उस विषय सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। ध्वनि के उपयोग द्वारा मीडिया का अनुनय करना। ध्वनि एक और युक्ति है जिसका उपयोग मीडिया द्वारा अप्रत्याशित पीड़ितों को अनुनय करने में किया जाता है। कुछ लोग आमतौर पर ध्वनि के भीतर मौजूद शक्तियों को कम आंकते हैं, लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिए, आपने कितनी बार कोई गाना कहीं सुना है और वह लगातार आपके दिमाग में घूमता रहता है? गाने आमतौर पर हमें प्रभावित करते हैं, भले ही हमें इसके बारे में पता ना भी हो, यह जानते हुए भी कि हम इसे सुन रहे हैं। जनता को समझाने की अपनी कोशिश में मीडिया इसी का फायदा उठाता है। किसी विज्ञापन गीत में अक्सर ऐसे कई वाक्यांश कुशलतापूर्वक छिपाए और दोहराए जाएंगे, जो संभवतः आपको एक कंपनी को दूसरी कंपनी से अधिक प्रसिद्ध करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका उदाहरण मैकडॉनल्ड्स में देखने को मिलता है। धुन आई एम लविंग इट को अक्सर इस तरीके से दोहराया जाता है, जो पीड़ितों को लगातार अपना भोजन खरीदने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 7 पर्सुएजन टेक्निक्स। स्कैरसिटी यानी कि कमी, यह प्रभाव का एक हथियार है जिससे बहुत से लोग परिचित हैं, लेकिन कमी की मूल परिभाषा के कारण इसे अक्सर कम करके आंका जाता है। यदि किसी कारण या किसी अन्य कारण से किसी विशेष विचार या उत्पाद के उपलब्ध होने का समय सीमित है, तो सबसे अधिक संभावना है कि इसके साथ ऊंची कीमत जुड़ी होगी। मनुष्य के रूप में हमें आमतौर पर उस चीज का पीछा करने में लगे रहते हैं जो हमें नहीं मिल सकती।
जब कमी को यह मुद्दा सामने आएगा तो यह उस संदर्भ के आधार पर सामने आएगा जिसके तहत इसका उपयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि यह कुछ परिदृश्यों में दूसरों की तुलना में अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इस रणनीति के सफल होने की संभावना के दो मुख्य कारण हैं। पहला तब होता है जब उत्पादों को ढूंढना आमतौर पर थोड़ा कठिन होता है। इन वस्तुओं के साथ संबंधा अधिक मूल्य जुड़ा हुआ, लोग ऊंची कीमत का श्रेय इस तथ्य को देते हैं कि वे दुर्लभ हैं। दूसरा कारण आमतौर पर तब होता है जब कोई चीज सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होती है। इससे पीड़ित को यह एहसास होने लगता है कि वे जीवन भर का मौका गंवा देंगे। एक बार जब ये दोनों हो जाते हैं तो पीड़ित उस सेवा को अधिक महत्व देना शुरू कर देगा जो दुर्लभ है, क्योंकि इसे प्राप्त करना कठिन है। पसंद करना, सबसे पहले लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके समान हैं। आप जिस व्यक्ति को मनाने की उम्मीद कर रहे हैं उसके समान दिखने के लिए आपको उनके साथ समान आधार खोजना होगा। उदाहरण के लिए, कई विदेशियों ने सीखा है कि अधिक पसंदीदा बनने के लिए सबसे आसान तरीका स्थानीय भाषा सीखना और बोलना है। आमतौर पर इसके एग्जाम्पल हमें काफी वीडियोस में देखने के लिए मिल सकते हैं। खुद को अधिक पसंद करने योग्य बनाते समय दूसरी चीज जिसके बारे में आपको जागरूक होना चाहिए वह है चापलूसी। यदि आप इसका सही उपयोग करेंगे तो चापलूसी आपके कई दरवाजे खोल देगी। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप एक गैर शामिल, गैर वर्ण सहकर्मी से ऐसे करने पसंद करने योग्य सहकर्मी बदल जाएगी जो दयालु और मददगार है। बाद में आप इस चिप को अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। प्रतिबद्धता और निरंतरता, यह वह जगह है जहां जोड़ तोड़ करने वाले व्यक्ति को इन दोनों उपकरणों का उपयोग करना होगा। यदि वह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दे, जब चीजें सुसंगत होती हैं तो उन्हें समझना आसान होता है और विषय को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। हेरफेर करने वालों के लिए अच्छा नहीं है कि वह अपने द्वारा उपयोग किए गए तथ्य को हमेशा बदल दें या पीड़ित को जानकारी संसाधित करने में मदद करने के लिए आवश्यक अन्य जानकारी को बदल दें। अनुनय प्रक्रिया में मदद करने के बजाय निरंतरता से लगातार दूर रहने से एजेंट झूठा और ऐसे व्यक्ति जैसा दिखेगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप अनुनय प्रक्रिया विफल हो जाएगी। संगति एक महान उपकरण है क्योंकि यह आमतौर पर पीड़ित को सही निर्णय लेने और जानकारी को संसाधित करने की अनुमति देता है। यदि जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति पीड़ित को मनाने में सफल होना चाहता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका संदेश सुसंगत हो। झूठे सबूतों के लिए कोई जगह नहीं है जो बाद में सामने आ सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को बर्बाद कर सकते हैं। तथ्यों को सटीक और संक्षिप्त रखें और पीड़ित को समझाना ज्यादा बेहतर है। सामाजिक प्रमाण अनुनय सामाजिक संपर्क का एक रूप है और इसलिए सामाजिक नियम जहां वे होते हैं का पालन करना होगा।
पीड़ित अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होगा। वे अपना काम करने के बजाय वही करना चाहेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। पीड़ित अपने विश्वासों और कार्यों को इस आधार पर बनाएगा कि दूसरे उनके बारे में क्या करते हैं और वे कैसे कार्य करते हैं और वे कैसे मानते हैं कि भीड़ की शक्ति कहावत इस विश्वास के तहत बहुत प्रभावी हो सकती है। पीड़ित हर समय जानना चाहेगा कि उसके आसपास के अन्य लोग क्या कर रहे हैं। इस देश वह करने का सक्षम होना जो अन्य लोग खुद को फिट करने के लिए कह रहे हैं। भले ही लोग कहेंगे कि वे कैसे अलग होना चाहते हैं और एक व्यक्ति बनना चाहते हैं, लगभग एक जुनून बन गया है। प्राधिकरण एक तरीका है जिससे छेड़छाड़ करने वाला पीड़ित को मनाने में सफल होगा। एक अधिकारी बनकर अधिकांश लोग यह मानते हैं कि किसी विषय के बारे में कोई विशेषज्ञ जो कहता है वह सच है। पीड़ित को किसी विश्वसनीय और जानकर जोड़ तोड़ करता की बात सुनने में अधिक आनंद आने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि यदि जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति इन दो चीजों के सामने ला सकता है तो वह पहले से ही अपने शिकार को सुनने और उन पर विश्वास करने की राह पर है। एंकरिंग अधिकांश निर्णय लेने वाले उदाहरणों में एंकरिंग एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। आप समान उत्पाद लें और उनकी तुलना करें। आपको यह देखने के लिए वहां से निर्णय लेना होगा कि कौन सा अच्छा है। इस तकनीक के विभिन्न उपयोग हैं। सबसे अधिक उपयोग में से एक मूल्य निर्धारण है। यदि अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो यह अनुनय की एक शक्तिशाली तकनीक हो सकती है। दबाव का उपयोग परिस्थिति के आधार पर प्रतिनिधि यह निर्धारित कर सकता है कि अपने साधनों पर विश्वास करके विषय को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ दबाव का उपयोग करना एक उत्कृष्ट अवधारणा है। ऐसा तब हो सकता है जब सुझाव ठीक से मेल नहीं खाते हैं, सामान्य बातचीत कार्यात्मक नहीं है, या जब प्रतिनिधि चर्चा के मोड़ से उत्तेजित या व्यथित हो रहा है। आमतौर पर दबाव का उपयोग एक प्रकार की डराने वाली तकनीक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह विषय को व्यवहारिक रूप से सोचने के लिए बहुत कम समय देता है कि क्या हो रहा है। इसके विपरीत जब एक टाइपिका एल चर्चा करती है, आमतौर पर दबाव का उपयोग निश्चित रूप से तब किया जाएगा जब प्रतिनिधि का अनुनय के विभिन्न अन्य तरीकों का उपयोग करने में बहुत कम सफलता मिली है जो आसानी से उपलब्ध है। पारस्परिकता प्रभाव का प्रारंभिक उपकरण परस्पारिका की अवधारणा है। यह अवधारणा निर्देशित करती है कि जब एक व्यक्ति प्रतिनिधि विभिन्न अन्य व्यक्तियों को कुछ मूल्यवान विषय देता है तो विषय प्रतिनिधि को दयालुता पूर्वक वापस भुगतान करने का प्रयास करने की अधिक संभावना रखता है। यह अनिवार्य रूप से इंगित करता है जब प्रतिनिधि विषय के लिए किसी प्रकार का समाधान करता है तो विषय निश्चित रूप से महसूस करेगा कि लंबे समय तक प्रतिनिधि के लिए दुनिया समान करने की उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि दोनों समाधान समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक की प्रतिबद्धता बराबर है, उनके पास एक ही प्रकार का मूल्य है। पारस्परिकता का कार्य विशेष में प्रतिबद्धता की भावना पैदा करता है, जिसे प्रतिनिधि निश्चित रूप से एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग करेगा।
जब वे अनुनय का उपयोग करना चाहते हैं। पारस्परिकता का दिशा निर्देश बेहद कुशल है, क्योंकि यह प्रतिनिधि को जिम्मेदारी की भावना के साथ विषय के वश में करने के साथ साथ अनुनय के कार्य के लिए विषय को सही मानसिकता में लाने में सहायता करता है। प्रतिनिधि संभवतः विषय को यह समझाने में सक्षम हो सकता है कि वह एक विशिष्ट तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि विषय निश्चित रूप से प्रतिबद्धता की भावना को प्रभावित करेगा। समर्पण और साथ ही एकरूपता प्रभाव का निम्नलिखित उपकरण जिसकी समीक्षा की जानी है, समर्पण का भी है और एकरूपता का भी है। यदि प्रतिनिधि किसी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में बदलाव के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों का उपयोग करने से सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जब दृष्टिकोण मेल खाते हैं तो उन्हें पहचानना आसान होता है, साथ ही उनकी पसंद को बेहतर बनाने के आधार पर उनकी सहायता भी की जा सकती है। यह प्रतिनिधि के लिए उन वास्तविकताओं को लगातार बदलने के लिए अच्छा है जिनका वे उपयोग कर रहे हैं, या विषय की अनुनय प्रक्रिया में सहायता के लिए आवश्यक विभिन्न अन्य सूचनाओं को परिवर्तित करने के लिए। प्रोत्साहन की प्रक्रिया में सहायता करने के विपरीत लगातार एकरूपता से बचने से प्रतिनिधि को नकली और किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखने की संभावना है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसे अनुनय प्रक्रिया विफल हो जाती है। सामाजिक साक्ष्य अनुनय एक प्रकार का सामाजिक संचार है, और परिणाम स्वरूप जहाँ यह हो रहा है वहाँ के सामाजिक नियमों का पालन करना सबसे अधिक आवश्यक है। यह विषय सबसे अधिक उन व्यक्तियों से प्रभावित होने की संभावना है जो उनके आसपास है। इस बात की अधिक संभावना है कि वे अपनी बात मानने के बजाय वही करने की इच्छा रखते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। विषय निश्चित रूप से उनके विचारों और गतिविधियों को इस पर आधारित करेगा कि उनके आसपास अन्य लोग क्या कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से यह व्यक्ति कार्य करते हैं, और यह भी कि वे कैसे सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि विषय किसी शहर में परिपक्व होता है तो उन्हें उस स्थान के अन्य लोगों की नकल करने की सबसे अधिक संभावना होती है। दूसरी ओर जो लोग अत्यधिक आध्यात्मिक क्षेत्र में परिपक्व होते हैं, वे अपने समय का एक बड़ा हिस्सा आशा करने, खोजने और साथ ही दूसरों की सहायता करने में बिता सकते हैं।